उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नाबालिग के साथ रेप के मामले में मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान के घर पर सीएम योगी का तगड़ा एक्शन देखने को मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद बुलडोजर का एक्शन लिया गया है। राजस्व विभाग ने आरोपी की संपत्ति की पैमाइश की थी। खाद्य सुरक्षा उपायुक्त ने बेर की सील की और फिर बेर की का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही पीड़ित परिजनों को धमकाने के आरोप में भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने के बाद पीड़ित परिजनों से मुलाकात की थी। पीड़ित किशोरी की मां ने मुख्यमंत्री को घटना के बारे में बताया था। पुलिस कर्मियों की कार्रवाई के बाद रेप केस में मुख्य आरोपी मोइन खान की संपत्ति की भी जांच शुरू हो गई है। बता दें कि मोइन खान पर आरोप है कि तालाब और सरकारी जमीनों पर इन लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर पहले ही साफ कर दिया था कि चाहे किसी भी पार्टी का अपराधी हो उसके खिलाफ सख्त एक्शन और सख्त कार्रवाई जरूर होगी। और अब कुछ उसी तरह का एक्शन उत्तर प्रदेश के अयोध्या में देखने को मिला है। बुलडोजर की कार्रवाई आरोपी के खिलाफ की जा रही है। ये जो कार्रवाई है ये आरोपी व्यक्ति के द्वारा जो सार्वजनिक तालाब है, सार्वजनिक रास्ता है, इस पर अवैध अतिक्रमण करके एक बेकरी बनाई गई थी। उस बेकरी में जो इनके द्वारा प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे उनकी सैंपलिंग कराई गई है और उनको जांच के लिए लाइब्रेरी भेजा गया है। और जो अवैध इनका निर्माण था उस निर्माण को हमारी राजस्व टीम ने चिन्हित किया था और कानूनी कार्रवाई के उपरांत आज इनका डिमोलिशन किया है। इन्होंने कुछ बाउंड्री वाल तालाब में बनाकर तालाब को पार्ट करके प्लाटिंग किया था, आप लोग देख रहे हैं, उसको भी तोड़ा गया है तथा एक मल्टी कॉम्प्लेक्स रोड पर है और उस पर भी इनके द्वारा रास्ते को अतिक्रमित करके बनाया गया है, उसका भी चिन्हांकन किया गया है। लेकिन चूंकि उसमें बैंक संचालित है इसलिए बैंक के मैनेजर को निर्देशित किया गया है कि वो परिसर को खाली कर लें। परिसर के खाली करने के उपरांत हम लोग विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए उस पर भी अगर इनके द्वारा अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा नियत समय में तो उस पर भी डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी। अभी कितनी जांच में पाया गया है कि कितने अवैध निर्माण किए गए हैं? अभी जो हमारी जांच कंप्लीट हुई है उस जांच में अभी यहां जो परिसर तीन परिसर पाए गए हैं आपके सामने जहां हम लोग विद्यमान है बेकरी का और जो मल्टी कॉम्प्लेक्स है और जो प्लाटिंग की गई है इन और इसके अलावा अन्य भी हमारी जाँचें टीमें हमारी जाँच कर रही हैं। कुछ लोगों ने प्राइवेट व्यक्तियों ने भी शिकायत किया है कि उनकी ज़मीनों पर भी इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है। वो जांच जैसे ही कंप्लीट होगी हम आप लोगों को अवगत कराएंगे।